नंढे खंड जी तारीख़ शख्सियत शेख अब्दुल मजीद सिंधी जो जन्म 7 जुलाई 1899 ते सिंध जे तारीख़ी शहर ठटे में थियो। शेख अब्दुल मजीद जा वॾा असुल सेवण खां लॾे ठटे में अची वेठा हुआ। संदसि वालिद दीवान लीलाराम ठटे जो रहाको हुयो। शेख अब्दुल मजीद जो असुल नालो जेठानंदो हुयो। संदन ख़ानदान असुल सनातन धर्म जो पोइलॻु लेखियो वेंदो हो, पर अमली तौर ते सभई आर्या समाज जा पोइलॻु हुआ। शेख अब्दुल मजीद सिंधी इब्तिदाई तालीम ठटे ऐं कराची जे खारादर वारे स्कूल मां हासिलु कई। संदसि तबियत जो लाड़ो नंढपिण खां वठी हक़ जी ॻोल्हा तरफ़ रहंदो हो। हमेशह पंडितनि ऐं बुज़ुर्गनि जी मजलिस ऐं सोबत जो ख़्वाहिशमंद हूंदो हुयो। सिंध में हज़ारे वरहनि खां मज़हबी रवादारी जो सबक़ु ॿुध धर्म जे पोइलॻनि हिंदू योगिन ऐं मुस्लमान सूफ़ियुनि जे ज़रिए आम दिलनि ते विहारियलु हुयो। जॾहिं इन्हीअ मज़हबी रवादारी वारे फ़लसफ़े ख़िलाफ़ु किन हिंदू पंडितनि पारां प्रचार शुरू कयो वियो, त हिन जी दिलि में रदि अमल पैदा थियो। संदसि तबियत में इस्लाम ॾांहुं लाड़ो स्कूल जे ज़माने खां ई हुयो। 1988 में ठटे जो आगटा इंस्पेक्टर ताज मोहम्मद पहिरियों माण्हू हुयो जंहिं शेख अब्दुल मजीद खे अमली तौर ते इस्लाम जी ख़ूबी खां रोशनास करायो ऐं 10 फेबरवरी 1908 ते हैदराबाद पहुची शेख अब्दुरहीम वटि इस्लाम क़बूल कयाई। नंढे हूंदे खां वठी हुनखे इहो अहसासु हूंदो हो त हिकिड़ो दिलि में दावत हक़ जो हिकिड़ी किन माण्हुनि खे जुस्तजू हूंदी आहे। नंढे हूंदे खां वठी हुनखे हुनजो ख़्यालु हो त मूंखे हक़ जे मुतलाशी आहियां। ऐं उन वक़्त जा जेके हालात हुआ 1800 ऐं 1900 जी शुरूआति जा, उन वक़्त में ख़ुसूसन सिंध जा जेके हालात हुआ, हिते इस्तेसाली तबिको जंहिंमें ज़मीदार वॾेरो क्लास हो, उन सां गॾो गॾु उन खां वधीक इस्तेसाली तबिको जेको हो सो हिंदू वापारी क्लास हो। उन वापारी क्लास ग़रीब मुसलमाननि जा हॾ पीड़े छॾिया ऐं उन्हनि जूं तमामु ज़रई ज़मीनूं, उन्हनि जा कारोबार उन खे व्याज जे अंदरि दॿाए ख़तमु करे छॾियो। इहो शेख अब्दुल मजीद सिंधी जॾहिं नंढो हूंदो हो त उहो उन खे ऑब्ज़र्व कंदो हो। ऐं ॿिए तरफ़ हिकिड़ी यानी बेजा नुक़्तचीनी मज़हबी बि उहा खुलेआम जिते ताक़तवर हूंदी हुयूं हिंदू कम्युनिटीज़, जीअं ठटे में हिकिड़ी ताक़तवर हिकिड़ी कम्युनिटी हुई, त उते हुननि जे मथां तनक़ीद कंदा हुआ। नंढे हूंदे खां उहो महसूसु कोन कंदो हो त बाबा सभिनी मज़हबनि जूं जेके सुठियूं ॻाल्हियूं आहिनि उहे करणु घुरिजनि, हरू भरूं भॼाई ॿिए जी ॿिए ते तनक़ीद करणु घुरिजे। उनजे करे हू उनजो इहो ॿियो उते हिकिड़ो पीर हूंदो हो मुस्लमान, उनजी दरगाह हुई, उन ते हू वेंदो हो, उते ॾिसंदो हो, उन्हनि जा ख़्यालात ॿुधंदो हो, हू डिस्कस कंदो हो। ऐं नंढे हूंदे खां वठी हुनजे हुनजो हो त मूंखे गीता सां गॾो गॾु मूंखे नंढे हूंदे मूं क़ुर जी कापी हासिलु कई ऐं उहा मूं उन ते पढ़णु शुरू कयो, उन ते डिस्कशन शुरू कई। उन ते हिंदू कम्युनिटीअ जा काफ़ी माण्हू चिड़ी पिया त तो इहो किताबु खयो छो, त उन ते उनखे वधीक अञा सदमो पहुतो। हुन चयो त भई इहा कहिड़ी ॻाल्हि आहे, अकली अगरि किताब आहिनि त उन्हनि में डिस्कशन करण में या इन में उन जे सुठियुनि ॻाल्हियुनि ते बहस करण में कहिड़ी जेको आहे सो कबाहत आहे। उनजे करे हू आहिस्ते आहिस्ते उन तरफ़ मज़हबी तौर ते छो त इस्लाम जे तरफ़ हू यानी उनखे हक़ जो रस्तो इहो सम्झो, हुन में डाइवर्ट थियो। शेख अब्दुल मजीद पंहिंजे वक़्त में निहायती मक़बूल अवामी लीडर हो। उहो इन करे जो हू आमिल घराणे जो माण्हू हो, ठटे जो वेठल हो। आमिल घराणो माना हिंदुनि में मथियों घराणो, जेको टालपुरनि जे दौर में वॾे नौकिरी में हुआ त हुनखे आमिल चवंदा। आमिल घराणे जो माण्हू हो ऐं ही नौजवान जेको हिन इस्लाम क़बूलु कयो। तंहिंजे करे ॿिया जेके हिन जा माइट वाइट हुआ अथनि एतिराज़ु कया, पर हिन चयो त न, मूं पंहिंजे दिलि ज्ञान सां इस्लाम क़बूलु कयो आहे। इन जे करे मुस्लमाननि में ख़ासि तरह सां हुनजो नालो तमामु वॾो थी वियो। पर इन खां सवाइ बि हू वॾे हौसले वारो माण्हू हो, हू अवाम जो दोस्त हो ऐं हुन अवामी सिलसिले सां ॻाल्हि लिखे रखियो ऐं कयो। 1916 में रेशमी रुमाल वारी साज़िश में शेख साहब खे फरंगियुनि तरफ़ां क़ैद यात्रा जो पहिरियों मौक़ो मुयसरु थियो। हीउ उहो दौरु हुयो जॾहिं शेख साहब जो तालुक़ु मौलाना उबैदुल्ला सिंधी जी अंग्रेज़ मुख़ालिफ़ ज़ेर ज़मीन तहरीक सां जुड़ियो, जंहिंजे नतीजे में खेसि 1916 में 3 सालनि जी सज़ा मिली। सज़ा जा 3 साल हुन पूना भरिसां रत्नागर जेल में गुज़ारिया।
शेख साहब चवंदा कि मुखे दरअसल जेकर सेहतमंद रखणो आए तो मुखे जेल में रखो आऊं उते वधिक सेहतमंद तो रहा घणो अरसो जेल में रहा शेख साहब जेको असांजी यादाइश में आए जेको अयूब खान जे वक्त में मुझे ख्याल में 2 साल खन रहा उन का पेरी जेके जेलू उनन काटियूं से काटियूं सब पार्टीशन का पेरी उन्हनि जा हिकिड़ी जेल हुननि रत्नागिरी में काटी जेका 3 सालनि जी हुई रेशमी रुमाल तहरीक ते ऐं हिकिड़ी उन खां पोइ वरी हिकिड़ी जेल काटियऊं जंहिंमें हुननि पंहिंजो जेको ताजदार आहे बरतानिया उन जे बारे में कुझु लफ़्ज़ ॻाल्हाया हुआ त तंहिं ते बि 3 साल जी क़ैद शेख साहब खे ॾिनी वई हुई इहो ॿुधाईंदा की कराची होटल जे मथां असांजी ऑफिस हुई उते अंग्रेज चढ़ी आया उन्हनि अची सॼी ऑफिस खे तितर बितर करे छॾियो उन में रेशमी रुमाल जी हुननि खे तलाश हुई त बाबा साईं वेठा हुआ कुर्सी ते त हुनखे चयो उथ तूं त बाबा उथी बीह रहिया त वरी हिकिड़ी काठ जी पेटी पई हुन ते वरी वेही रहिया त इहे चवनि पिया उथ उथ त बीह बीह वरी उते वेही रहिया त हुननि सॼी ऑफिस खे करे छॾियो तितर बितर करे ऐं पोइ हू विया हलिया हू जंहिं पेटी ते वेठा आहिनि हुनजे सॼी तारीख़ जेका हुई न तहरीक उहा सभु हुनजे अंदरि रुमाल रेशमी रुमाल जा जेके बि हुआ पोस्टर या अलाए छा कुझु उहो सभु हुन पेटी में हो हुन ते पाण वेठा हुआ बसि 1919 ईस्वी में आज़ादु थियण बाद शेख अब्दुल मजीद सिंधी खे सत्याग्रह मल्हाइण जे ॾोह में ॿीहर गिरफ़्तार करे जेल हवाले कयो वियो सत्याग्रह वारे केस मां आज़ादु थियण खां पोइ 1921 ईस्वी में खेसि हिकु भेरो ॿीहर बग़ावत जे ॾोह में जेल जो दर ॾेखारियो वियो नंढे खंड में अंग्रेज़ साम्राज्य ख़िलाफ़ु हलंदड़ सियासी हलचल दौरान शेख अब्दुल मजीद सिंधी पहिरियों सियासी अॻवान हुयो जंहिं सभिनी खां वधीक जेल काटियो रेशमी रुमाल तहरीक दौरान 3 सालनि जी जेल यात्रा करे अचण बाद जॾहिं आज़ादु थी हैदराबाद पहुतो त संदसि शादी हैदराबाद जे रहवासी अलीबख्श जी नियाणी सां कराई हुई अलीबख्श लाइ चयो वञे थो त हुन शेख अब्दुल मजीद सिंधी जे मुजाहिदाना किरदार खां मुतासिर थी मरण खां अॻु अहिड़ी वसियत कई हुई त जॾहिं शेख अब्दुल मजीद जेल खां ॿाहिरि अचे त खेसि संदसि नियाणी सां निकाह जी आछ कई वञे शेख साहब खे पहिरीं घरवारी मां हिकु नियाणी जो औलादु थियो पहिरीं घरवारी जी वफ़ात खां पोइ शेख साहब जी ॿी शादी मोहम्मद सिद्दीक शेख जी नियाणी आयशा बेगम सां थी जंहिं 1984 में इंतकाल कयो मुंहिंजो नानो हूंदो न उहो अख़बार में हिननि जा कारिस्तानियूं पढ़ंदो न मुंहिंजे बाबा जूं पोइ चवंदो हीउ जेको माण्हू आहे न इहो जेकर मूंखे मिले त हुननि सां पंहिंजी धीउ जी शादी कराईंदुसि हुन को अहिड़ी सची दिलि सां ॻाल्हि कई जो असांजो ॻोठु आहे इलाही परे हिकिड़ो अलाए छा जंगल बयाबान टंडो मोहम्मद ख़ान खां बि परे वञो हलिया उते अम्मा हूंदी हुई अम्मा जी ज़िंदगी उते जवानी उते ई गुज़री पर कुदरत ख़ुदा जी अहिड़ी थी जो बाबा पाणे गेल जी अची पहुता उते पोइ बाबा सां शादी करे पोइ बाबा अम्मा खे वठी आया हैदराबाद कराची इलाही प्यारु कंदा असांखे इलाही मोहबत ॾींदा हुआ असांखे कॾहिं महसूसु ई कोन थींदो की असांखे को ग़रीब आहियूं या छा ईअं लॻंदो ॼण को वॾा बस अला छा आहियूं लखापति आहियूं की वॾे बादशाही वारा आहियूं पर बाबा साईं वटि सदाई सॼी ज़िंदगी सादगी में रहिया पाण बि खाधी पाईंदा हुआ बसि खाधी जे सवाइ कॾहिं को कपिड़ो कोन पातो ऐं खाधे पीते में बि बिल्कुलु सादा हद खां वधीक 1843 ईस्वी में अंग्रेज़नि पारां सिंध खे फतह करण बाद सिंध परगणे जी मुल्की ऐं सूबाई हैसियत ख़तमु करे बम्बई सां ॻंढे हिकु कमिश्नर जे मातहत कयो वियो हीउ उहो दौरु हुयो जॾहिं सिंध जे जागीरदार ऐं वापारी तबिके जी इहा कोशिश हूंदी हुई त कीअं बि करे कंहिं बि क़ीमत अदा करण जे शर्त ते खेनि ख़ान बहादुर राय साहब सरिया अहिड़ो ई को सरकारी ख़िताब मिली पवे या खेनि कलेक्टर जे दरबार में कुर्सी मिले अहिड़े घुट ऐं ॿूसट वारे सियासी वायु मंडल में शेख अब्दुल मजीद सिंधी रईस ग़ुलाम भोगड़ी खां पोइ ॿियो किरदारु हुयो जंहिं वतन ऐं क़ौम जे नंग नामूस जी बचाव ऐं अवामी भलाई जे सियासत खे पंहिंजो मक़सदु बणाए मुरवज सियासी रवायत खां इनहराफ़ कयो संदसि हक़ परस्ती जी बाज़ाबता वेढ़ जी शुरूआति रईस ग़ुलाम अहमद भोगड़ी पारां जारी कयल अख़बार अल अमीन जे एडिटर जी कुर्सी संभालण सां थी ऐं बाद में 1920 में अल वहीद अख़बार ज़रिए अवामी बेदारी सिंध जे मुस्लमान जी तालीम ऐं तनज़ीम लाइ प्रचार कंदो रहियो मां पंहिंजी ज़िंदगी जा 10 साल इन माना अदारे में गुज़ारिया अच्छा शेख साहब हिकु तमामु सादो सिधो माण्हू हुया ऐं ईअं चवंदा सभु कुझु भलो थिए उन जी जेकी हमदर्दी हुई सा ग़रीबनि सां हुई
वो हमेशा इं चव हो तो असा जेस तीन ये गरीब तालीम याफ्ता ना तेस तीन असि सिंध जो सुधारो न। अच्छा बो त सच हमेशा गाल्हाईंदा हुआ मुख्य यादगिरी आ वकील आ मुख्तियार मुगल वकील सीनियर वकील है उनके पी वट व्या उनके चवंद शेख साहब तो बाबा तू अस 800 रुपया दे तो तोखे अस 2000 वाल जमीन दासी सिंधी सोसाइटी में तो वो मुगल साहब चो तो बाबा शेख साहब इतने मली ना उन जमाने उनके मली ना को चवंदा हुआ सिंधी सोसाइटी को तो शेख साहब हाँ तुम आया आयो मां तवां के इनकार नथो करे सका पो उनी 800 बिना वो मुख्तियार मुगल मां वट इंदो आ सीनियर एडवोकेट आ वो चारो मुंजी बुजुर्ग जी हैसियत में चंगी इज्जत कंदो आ वो मां एकरी चो मां दुआ कर शेख साहब के जे ताहा के या जमीन वठाई तो वालिद साहब मेंबर भी न पियो थे आज तू करोड़ों रुपए मिलकियत आ ए बियो त तमाम सादा मानू माना ना उहा पान मिनिस्टर रही चुका हुआ लेकिन उहा सादगी पांजे लाए मकान भी न ठहराए सकिया जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान थो हिंदू वया पे सिविल अस्पताल के सामू मंदिर शेख साहब को हिंदू डई आ जिते पांजी जिंदगी गुजारी। शेख अब्दुल मजीद सिंधी अल वहीद अखबार के एक तहरीक इदारे में तब्दील कर छो ये उहा अखबार हुई जै ईंदड़ वक्त में अंग्रेज मुखालिफ हलचल में फैसला कुन किरदार अदा कयो संदस साम्राज्य मुखालिफ किरदार जी खुशबू सा पूरो हिंद सिंध वासजी वियो सिंध जी बंबई का आज़ादी जो पहरियों चिट्टो ऐं खुलियल तस्वर 1924 में शेख साहब अल वहीद अखबार में लिखल एक डिघे किस्तवार मज़मून ज़रिए ॾेई चुको हो पर उन सियासी तस्वर के सियासी अमल के मैदान में मंझराइण जो मौको भी हथा वञण न ॾिनई सिंध के व्यापारी तबके पर जडे सिंध के बंबई का अलहदगी के सवाल से एतराज़ उथारिया व्या तो उ एतराज ही खदशा खत्म कंदे एकड़े पासे हिंदू मुस्लिम समझौतो करायाई तो बे पासे बंबई ए बन हंधन ते मुख्तलिफ जमातुन ए अगवान से मिली खेन सिंध की बंबई का अलहदगी के मुतालबे की हिमायत ला आमादा करण जो कोशिश कंदो रहो नेठ संदस अणथक कोशिशन के नतीजे में 1 अप्रैल 1936 ईस्वी से सिंध तकरीबन एक सदी बाद एक सूबे की हैसियत में बहा शेख अब्दुल मजीद सिंधी उन दौर में पर्यों शख्स हो जै सिंध के वडेरा शाही ए जागीरदारी निज़ाम खिलाफ बगावत कई सिंध की सियासत में एक इनकलाब पैदा कर सेप्टेंबर 1930 में बम्बई काउंसिल के चूंढन में मुसलमान वोटर शेख सिंधी के कराची जिले जो नुमाइंदो करे मोकलियो 1933 में कराची में गाजी अब्दुल कयूम नाले एक पठान जडे नथुराम नाले एक शख्स के रसूल पाक जे शान में गुस्ताखी करण ते चीफ कोर्ट में केस हलंदे कतल कयो हो त कोर्ट पर गाजी कयूम के डिनल फाही वाली सजा जे रद्द अमल में जडे हिंदू मुस्लिम फसाद शुरू थिया त बम्बई काउंसिल जे मेंबर जी हैसियत में सरकार की बेपरवाही से एहतजाज तौर इन इस्तीफा दिनी बाद में मुसलमान खेस बीहर बिना मुकाबले असेंबली में चूंडे मोकलियो सिंध की जुदाई तई शेख सिंधी बम्बई काउंसिल में सिंध के अवाम की सही नुमाइंदगी कंदो रहो शेख अब्दुल मजीद सिंधी की जिंदगी एक मुकम्मल सियासतदान की जिंदगी हुई शेख सिंधी जिते रेशमी रूमाल तहरीक खिलाफत तहरीक हिजरत तहरीक सिंध की बम्बई का जुदाई की तहरीक में भरपूर हिस्सों वरतो उते उन दौर के मशहूर सियासी पार्टी में भी संदस हिस्सों भरपूर अंदाज में अदा कल नजर अचे तो